नमस्कार, मैं डॉक्टर सारी, डायरेक्टर ओम साई नाग कनकल अस्पताल। आज वैलेंटाइन मौके पे आपको शुभकामनाएं देते हुए ये बताना चाहूँगा कि थर्मोस्टेट तो आपने नाम सुना ही होगा, जो टेम्परेचर कंट्रोल करता है कूलरों का, पंखों का। थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी, थर्मोस्टेट ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली आपने देखा होगा, जब भी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो एसी के अंदर कभी तुरंत बच्चे को जो है बाहर शिफ्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको हाइपोथर्मिया ना हो जाए, क्योंकि उसमें क्या है, थर्मोस्टेट डेवलप नहीं होता। पर जैसे जैसे वो अपनी माँ के क्लोज आता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है, माँ को हग करता है, लगभग पूरा थर्मोस्टेट डेवलप होने में, मतलब पूरी इम्यूनिटी डेवलप होने में, पैरामीटर्स जो बॉडी के हैं, जिसमें टेम्परेचर है, बीपी है, रेस्पिरेशन है, इस सब के लिए जैसे जैसे माँ का प्यार उसके कॉन्टैक्ट में आता है, तो ऐसे ही जो है उसका थर्मोस्टेट बॉडी का डेवलप हो जाता है और वो अपने पैरामीटर्स 5 साल के अंदर खुद कंट्रोल करने में सक्षम हो जाता है। दोस्तों, लव इज़ द थर्मोस्टेट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी अपन लोग स्ट्रेस में होते हैं या हेटेड में होते हैं या किसी से गुस्सा कर रहे होते हैं, तो अपना थर्मोस्टेट भी डिस्टर्ब हो जाता है और बीपी वगैरह अपना सब बढ़ जाता है। तो मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि लव इज़ द थर्मोस्टेट ऑफ ह्यूमन बॉडी, उसका उपयोग करें अपने रिलेशंस में। और जितनी भी आत्माएं, जितनी भी सोल आपके कांटेक्ट में आए, उनको भी जो है लव की गंगा से नहला दें, लव की वाइब्रेशंस भेजें, जिससे कि उनका थर्मोस्टेट भी आपके नज़दीक आके ठीक होगा। असली डॉक्टर की ये भी एक पहचान है। धन्यवाद। ओके।